नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्कर डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। अगर दोस्तों आपको भी हमेशा पैसों की कमी रहती है, काफ़ी मेहनत के बाद भी घर में निर्धनता छाई रहती है, तो इसका एक बड़ा कारण आपकी हाथों की रेखाएं भी हो सकती हैं। हाथ की हमारी रेखाओं में ही निर्धनता के लक्षण दिखाई दे जाते हैं, जिसे हम समय से पहचान कर अगर उसका उपाय किया जाए तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। कैसे पहचाने हम कि हमारे हाथ में निर्धनता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं या धीरे धीरे इसमें स्पष्ट तरीके से आ भी रहे हैं? दोस्तों, अगर आपकी हथेली में बहुत सारी रेखाएं हैं और वो छिन्न भिन्न अवस्था में हैं, जैसे किसी के हाथों में देख रहे होंगे आप, मलिन मलिन रेखाएं इस तरह से रहती हैं, बहुत सारे हाथ में रहती हैं और छिन्न भिन्न अवस्था में रहते हैं एक दूसरे को काटते हुए, तो गरीबी का एक बड़ा लक्षण है ये। दूसरा, हाथों में रेखाओं की बहुत ज़्यादा अधिकता हो, हर जगह पे आप देखो जिसका कोई महत्व नहीं होता है, ऐसी रेखाएं भी टूट फूट की स्थिति में आपके हाथ में हैं, तो ये भी निर्धनता का एक बड़ा लक्षण है। तीसरा, ये हमारी जो सूर्य रेखा होती है, इस पे भी छोटी छोटी कई रेखाएं अगर निकल रही हैं इसके अगल बगल में जो है, तो ये भी निर्धनता का या पैसों की कमी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा, ये हमारी मिडिल फिंगर है और उसके नीचे वाला जो ये हिस्सा है इसको हम शनि पर्वत कहते हैं, और ये हमारा जो हथेली का हिस्सा होता है इसको हम चंद्र पर्वत कहते हैं। अगर ये दोनों पर्वत दबे हुए हों और ये हमारा अंगूठे के नीचे का हिस्सा जो होता है इसको हम शुक्र पर्वत कहते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं, जालनुमा कुछ बना हुआ है, तो आप प्रैक्टिकल रूप में देखना जिसके हाथ में इस तरह के जालनुमा बना रहता, बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे देती हैं, तो सबसे पहला हमारा मन पे इसका प्रभाव पड़ता है, मानसिक परेशानी हमें आती है, तमाम तरह की चिंताएं होने लगती हैं। अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा कठिनता सहने के बाद भी आदमी को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर रहता है। तीसरा दोस्तों, बुद्ध पर्वत हमारी ये सबसे छोटी वाली उंगली है, ध्यान से देखिए, और इसके नीचे वाला जो ये हिस्सा है इसको बुद्ध पर्वत कहते हैं। अगर इस पे कोई क्रॉस का निशान हो तो व्यक्ति को उद्योग और व्यापार में हानि और असफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये निर्धनता की ओर उस जातक को ले जाता है। यदि हमारी ये जो रेखा है इसको हम हृदय रेखा कहते हैं, इससे कोई ब्रांच निकलती है गुरु पर्वत की ओर, तो ये तो ठीक रहता है, मगर ये हृदय रेखा सीधी जाके आपको गुरु पर्वत पे मिल रही है, तो वह व्यक्ति जीवन भर आर्थिक प्रभाव या आर्थिक अभाव में रहता है। ये तो हुए हमारे हथेली में निर्धनता के लक्षण। अब इसके मैं छोटे छोटे दो चार उपाय बता दूं। अगर ये अंगूठा है, इसके नीचे आपका जाल नुमा बना हुआ है, तो ये मानसिक परेशानी और आर्थिक दृष्टि से आदमी को कमज़ोर करता है। इसके लिए अगर ऐसा है आपका, तो प्रत्येक दिन सुबह ओम सूं शुंकराय नमः या नमः शिवाय का अगर पाठ करें नित्य प्रकार से, तो ये समस्या काफ़ी हद तक हल्की हो जाती है। दूसरा, अगर सूर्य पर्वत पर ऐसा है तो भगवान सूर्य भगवान को प्रतिदिन
जल देने की कृपा करें तो इससे भी सूर्य मजबूत हो जाता है और ये निर्धनता का जो लक्षण है वो हट जाता है। तीसरा, अगर आपकी हथेली में ज़रूरत से ज़्यादा रेखाएं हैं और एक दूसरे से कटती जा रही हैं तो आपको प्राणायाम, योग या मेडिटेशन करना चाहिए। इससे बहुत हद तक आप इस चीज़ से बच सकते हैं और एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और ये चीज़ आपके हटेगी तो निश्चित तौर से धन का आगमन आपके पास होता रहेगा। तो ये छोटे से कुछ उपाय थे और हाथ में निर्धनता के कुछ लक्षण हमने बताए हैं।